नमस्कार। मध्य प्रदेश में चौथी बार मौसम बदल गया है। भोपाल, इंदौर, छतरपुर, सतना, मेहर, रीवा समेत कई जिलों में बादल छा रहे हैं। ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ट्रफ लाइन की वजह से हो रहा है। 29 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसके कारण ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 29 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। बुधवार को नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। बता देते हैं कि सीजन में पहली बार टेम्परेचर 41.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दमोह में 41 डिग्री रहा। उज्जैन, धार, रतलाम और गुना में पहली बार तापमान 40 डिग्री या फिर इससे अधिक दर्ज किया गया। बुधवार को भोपाल, इंदौर में भी तेज गर्मी रही। भोपाल और इंदौर में सीजन में पहली बार टेम्परेचर 38.8 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में 37.9 डिग्री, जबलपुर में 38.4 डिग्री और उज्जैन में 40 डिग्री रहा। हालांकि भोपाल में शाम को बादल छाए रहे। गर्मी के साथ उमस का असर भी देखने को मिला है। इसी तरह मंडला, टीकमगढ़, खंडवा, खरगोन, खजुराहो, शिवपुरी, बैतूल, शाजापुर, सागर में तापमान 39 डिग्री से अधिक रहा। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा सबसे कम यानी कि 34.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और ट्रफ लाइन भी है और इस वजह से प्रदेश में बादल छा रहे हैं। ऐसा ही मौसम 28 से 29 मार्च को भी रहेगा। 29 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जाहिर की गई है। इसका 30 और 31 मार्च को प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्से में असर रहेगा। राजधानी में अगले 4 दिन यानी कि 31 मार्च तक बादल छाने का अनुमान है। तो वहीं दिन का तापमान 38 से 39 डिग्री और रात का तापमान 21 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है और उमस का असर भी देखने को मिलेगा।